मैं राशिद। रिया की ड्रग्स मंडली आखिरकार कहां तक फैली है? रिया की ड्रग्स मंडली में मुंबई से लेकर के गोवा तक, पटना से लेकर के दिल्ली तक, बॉलीवुड या फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग शामिल हैं? एनसीबी जांच का दायरा कहां तक फैल चुका है? सीबीआई जांच में क्या है खास? ड्रग्स एंगल के अलावा इंडिया न्यूज अकेला ऐसा चैनल है जो सुशांत मर्डर एंगल की भी तलाश अभी भी कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स एंगल एक अलग जांच का विषय है, लेकिन सुशांत के कातिल कहां है इस पर आगे बातचीत होगी। इसके अलावा चीन बार बार भारत को क्यों उकसाने की कोशिश कर रहा है? हमारे साथ में मेजर होंगे, मेजर जनरल होंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स का एक पूरा पैनल होगा, उनके साथ में बातचीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के अफवाह नहीं, सच्ची खबर 10 से 11 के बीच आपको मिल जाएगी, बिल्कुल सच्ची, एग्जैक्ट, सटीक, एक्यूरेट खबर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में आज भी एनसीबी करेगी छापामारी। आज बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है एनसीबी। ड्रग पेडलर ड्वेन फर्नांडिस को गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी। ड्वेन फर्नांडिस शौविक को करता था ड्रग सप्लाई, कल एनसीबी ने मुंबई गोवा समेत 8 जगह पर रेड की है। अभी की बड़ी खबर, ड्रग पेडलर ड्वेन फर्नांडिस को गिरफ्तार किया जाएगा। शौविक को ड्वेन फर्नांडिस ड्रग सप्लाई करता था, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। शौविक को फर्नांडिस ड्रग सप्लाई करता था, यानी केजे की गिरफ्तारी के बाद, करमजीत की गिरफ्तारी के बाद अब ये कहा जा रहा है। ये देखें, ये है करमजीत, पहली पिक्चर, पहली तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। करमजीत जो कि शौविक का दोस्त है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों ही स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं और इन्हीं की ड्रग मंडली ने बॉलीवुड में अलग अलग जगह पर ड्रग सप्लाई की है, और जिनमें सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग सप्लाई की गई है। एनसीबी के शिकंजे में केजे है, केजे कई बड़े बड़े राज उगल रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स नेटवर्क की पड़ताल में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनसीबी ने रेड करते हुए 7 ड्रग डीलर्स को हिरासत में लिया, इनमें सबसे अहम नाम है करमजीत यानी केजे का। करमजीत का नाम शौविक चक्रवर्ती की चैट में मिला। बताया जा रहा है कि केजे सैमुअल मिरांडा और शौविक को ड्रग सप्लाई करता था और ये ड्रग्स रिया तक पहुंचा करती थी। सूत्रों के मुताबिक करमजीत ड्रग नेटवर्क की अहम कड़ी है और उससे शौविक और रिया के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बताया यह भी जा रहा है कि करमजीत और शौविक स्कूलमेट्स हैं, यानी स्कूल के दोस्त हैं। अब दो तस्वीरें देखें आप। शौविक की जांच के दौरान एनसीबी को जो चैट मिली उसमें करमजीत यानी केजे का जिक्र है। ये चैट है 10 अक्टूबर 2019 की शाम 6:18 की। गौर से देखेंगे आप, इसमें शौविक किसी को करमजीत का रेफरेंस देता हुआ नजर आएगा। चैट में राज एमजे का जिक्र है, यानी केजे के बाद एमजे। शौविक ने बातचीत में करमजीत और राज से बात करने के लिए सूर्यदीप नाम का रेफरेंस देने के लिए कहा था। चैट से पता चलता है कि करमजीत ने ही शौविक को सूर्यदीप का नंबर दिया जिससे ड्रग्स ली जानी थी। श्वेता वर्मा जुड़ गई है क्या मेरे साथ में? इससे पहले कि श्वेता वर्मा के पास में चले, न्यूज रूम में बरखा शर्मा के पास में चले।